नकली व्हाइट सीमेंट कारखाना का भंडाफोड़, 850 बोरी नकली सीमेंट व उपकरण बरामद। यूपी के कौशाम्बी में स्वाट टीम व पुलिस ने नकली व्हाइट सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कोखराज थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कारखाना संचालित हो रहा था। छापेमारी कर पुलिस ने 850 बोरी नकली व्हाइट सीमेंट, सीमेंट बनाने का उपकरण, सीमेंट लदी 2 पिकअप, नामी कंपनियों की खाली बोरियां बरामद की। पुलिस ने सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फैक्ट्री को सीज कर दिया। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। कोखराज थाना क्षेत्र अलीगंज गांव में काफी लंबे अरसे से नकली व्हाइट सीमेंट और वॉल पुट्टी बनाने का काम चल रहा था। गिरोह में शामिल लोग नामी कंपनियों की सीमेंट को लाते थे, इसके बाद चूना और केमिकल मिलाकर नकली सीमेंट तैयार करते थे। पुलिस को सूचना मिली तो स्वाट टीम के साथ कोखराज SO राकेश तिवारी ने फोर्स के साथ छापेमारी की। गांव के विजय यादव के घर अवैध कारखाना चल रहा था। मौके से पुलिस ने 850 बोरी नकली व्हाइट सीमेंट, पाउडर, केमिकल सीमेंट बनाने का उपकरण बरामद किया। गोडाउन में सीमेंट लदी 2 पिकअप भी मिली। पुलिस की धरपकड़ में सरगना हिमांशु अग्रहरी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सरगना ने बताया कि वह नामी कंपनियों की सीमेंट में मिलावट करते थे और नकली सीमेंट को ओरिजिनल के दाम में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दोनों ने संयुक्त अभियान चला करके अलीगंज गांव है जिसमें विजय यादव के घर पर बिरला व्हाइट सीमेंट नकली बना करके ये बेच रहे थे। तो मुखबिर द्वारा सूचना हुई, इनको हमने रात में सकाड़ा चौराहे से अरेस्ट किया है। इसका मुख्य आरोपी हिमांशु अग्रहरी है जो कि इस धंधे को चला रहा था और अभी इसने चलाया था और इसकी हमने लेबर भी बरामद की है जो मौके पर मिलाते हुए हमने उनको पकड़ा है। सीमेंट की है जो 850 के करीब बोरी पकड़ी है, कुछ 50-50 किलो की है, कुछ 25 किलो की है। कितने दिनों से ये सर गोरख धंधा चल रहा है? ये अभी अभी इसने चालू किया था और अभी इसका कोई ट्रेड मार्क नहीं, खाली दूसरे के पर बिरला व्हाइट सीमेंट पर ही ट्रेड पर नकली मिला करके भर करके बेच रहा था। कीमत का कुछ आंकलन होगा? हाँ, कीमत का वैसे इसने जो उसका प्रिंट रेट 1200 रुपया है लेकिन ये 900 रुपये में दिया करता था। सर कितने आरोपी पकड़े गए? इसमें मुख्य आरोपी हिमांशु है जो इसको धंधे को चला रहा था। इसमें लेबर भी है और जो जिसके मकान में विजय यादव है जो अलीगंज गांव का रहने वाला है जिसने किराए पर दिया हुआ था। इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है।